मरे भैया खाली पेट तुम्हारे दिमाग की पत्ती चलती है कि नहीं? अभी आप सुनना चाह रहे हो तो ये सुनो भाई, अभी समोसे भी खिलाओ। अरे कुछ अरे ओ, अरे जॉन, वैसे मेरा नाम जॉन नहीं है, जिसकी आवाज है वो जॉन है, मैं तो भैया मुल्तान से हूँ। नहीं छोड़ूंगा, मरद को दर्द नहीं होता। अयो अम्मा, लेकिन हो रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मार सुटे पापड़ वाले मेरे यार है। उड़ी बाबा, वो मैं अपने 20 साल के तो जुर्मानी, ऐसा कहीं मैं कोई इनको भी नहीं देखा है। संजय दत्त हो गई। ए भाई, मैं तेरे को बोला ना, अभी इनका चैनल को सब्सक्राइब मार, नहीं तो मैं तेरे को सब्सक्राइब मारेगा, क्या बोलेगा? आप शेख पाका साम, आ कुड़ी मेनु कहन दिए, मेरे नाल में आ करा रहा। और जब वो बिल्लियां लड़ती हैं आपस में तो सबसे पहले जो है वो बॉलीवुड पे जाते हैं क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आते हैं वो अक्षय कुमार जिस तरह होते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डिलीट कर देता हूँ। और जिस तरह हम डिलीट नहीं करेंगे, आप नहीं डिलीट करेंगे, जिस तरह सुनील शेट्टी साहब बाबा जी उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जिस तरह संजय दत्त हो गई। ए भाई, मैं तेरे को बोला ना, अभी इनका चैनल को सब्सक्राइब मार, नहीं तो मैं तेरे को सब्सक्राइब मारेगा, क्या बोलेगा? सब्सक्राइब के बदले सब्सक्राइब। अच्छा तो जोई भाई, हमने आपका इंटरव्यू देखा था, आप ताबिश हाशमी के शो में भी गए थे, उधर आपको बड़ा सराहा गया था, तो वो क्या एक्ट आपने किया था वो जरा कर दे। वो असल में बात ये थी कि ताबिश हाशमी ने मुझे बोला था कि आप बाकियों की पैरोडी तो कर लेते हो, मेरी करके दिखाओ, ऑन द स्पॉट करके दिखाओ, याद भी ना करो कुछ ना करो। तो मैंने उसकी पैरोडी की ताबिश की, तो वो जो है ना बड़ा खुश हुआ और खड़ा होके ना उसने गले मिला और कहते हैं जी वेरी गुड। तो मैं थोड़ी सी जरूर जरूर थोड़ी सी ना आपको जिसको कहते हैं ना ओछापन आपके पास होना चाहिए। हाशमी कहा जी ये मेरी बहन, जी मेरी बहन, आज मेरा सवाल है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपको आता है कि नहीं आता? नहीं, पीछे उसके पीछे आपको इसको उसको नहीं मुझे इसको उसको। तो इस तरह का होता है ताबिश का। आज जिस तरह पाकिस्तानी कुछ पर्सनैलिटीज जो है हमारे जो है लेजेंडरी एक्टर, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और अभी सलामत है, वो सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब मेरे बचपन में मुझे याद है इनका एक ऐड आता था और बहुत लंबे अरसे वो ऐड चला था, याद रख काका बैटरी सिर्फ उसका का बैटरी सिर्फ उसका। मगर अब आपको ये नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली को सुना देता हूँ। आप शेख पाका साम, आ कुड़ी मेनु कहन दिए, मेरे नाल ब्याह करा रहा, मैं पला ब्याह करान दी उमर च बैठा, मैं थे पोते पोटियां खड़ान दी उमर च बैठा वा, लगा लकार। इरफान कुसर साहब की मैं आपको सुना देता हूँ। इरफान कुसर साहब जो है लेजेंडरी एक्टर है हमारे। वाह बचड़ा गाल छोड़ बैरी, वाह ढाबा पुराने तेरी आबड़ी रफ्तार, 80 किलोमीटर की घंटे से ज्यादा गिनाजी के मुंह वाले। वाह बचड़ा, तू मेरा इंटरव्यू कर रहा है तो तुमको किसने इजाजत दी मेरा इंटरव्यू मारने की? हमने पहले आपसे परमिशन ली थी, फिर आपसे इंटरव्यू ली। भाई मेरे से परमिशन ली है तुमने, बोले तो परमिशन। अच्छा इतने करेक्टर्स आप कर रहे हैं, आपका आइडियल कौन है ये भी बता दें जरा। आइडियल जो है मेरे हर कोई जानता है, अल्लाह पाक उनको जो है जन्नत नसीब फरमाए, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे, मुईन अख्तर साहब। मुईन अख्तर उनको देख देख के कमाल के फनकार। हाँ जी, बहुत अच्छे जो है ना वो एक्टर थे, और उसके अलावा जो है ना वो बहुत ज्यादा जिस तरह हम बोलते हैं कि एक मंझा हुआ एक्टर होता है, वो तराशा हुआ नगीना जिसे कहते हैं, पैरोडी उनकी जो है ना वो कमाल की है, इंस्टेंट पैरोडी। अच्छा तो जोई भाई, ये तो आपने कार्टून्स और काफ़ी फनकार जो हमारे हैं पाकिस्तानी बॉलीवुड के, उनकी मिमिक्री तो आपने कर दी, कुछ एनिमल्स की आवाज़ें निकाल सके? हमने अक्सर सोशल मीडिया पे देखी है आपकी वीडियो। हाँ, एनिमल्स की आप कराएंगे तो मैं इधर गदर बन गदा बन के बैठ जाऊँगा। अच्छा जिस तरह पप्पी की तो आपने मेरे ख्याल से सुन ली है, जिस तरह डॉगी होता है ना वो बड़ा कुत्ता, ये जब किसी को वो भौंकता है ये अक्सर हमें रात को सुनने को मिलती है, रात को सुनने को मिलता है, और जब वो मेरे ख्याल से आपस में लड़ते हैं तो
तो वो मुझे कार तो नहीं लेंगे? नहीं 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 आप अच्छा जिस तरह बिल्ली हो गई और जब वो बिल्लियां लड़ती हैं आपस में तो हमने भी घर में बिल्लियां पानी है, बहुत एक खौफनाक मंजर होता है, डर लगता है करीब जाने को, नाखून मुझे दो तीन दफा पड़ चुके हैं। जब वो लड़ती हैं तो बड़ा ना करीब जाने को भी डर लगता है क्योंकि वो नाख पंजा ना मार दें। ऐसी जिस तरह अब मैं आपको सुनाता हूँ गधे की आवाज इस तरह होती है। अच्छा पहले नाज़रीन को मैं ये बता दूँ, आपने मुशाबियत नहीं दे सिर्फ आवाज आपको सुना नाम दिखा जा रहे हैं, ये टैलेंट है। सैनन भाई अपना कह रहे हैं कि मेरे से मुशाबियत नहीं, वो समझ गए। जिस तरह जो है गधे की आवाज हुई मुझे लगता है गधा थक गया। अच्छा तो जोए भाई हमने एक और वीडियो बड़ी पॉपुलर देखी थी, आप एक गूंगा बन के जो है ना वो इंटरव्यू ले रहे थे और मेरे ख्याल से वो जो चुप चुप की मूवी है उसको आपने कहीं से याद किया या क्या? बिल्कुल ऐसे, और शाहिद कपूर को मैंने देखा था कि वो गूंगा है तो ऐसे ही ना माइंड में आया। वैसे मैं कॉन्टेंट जो है ना ऐसे बनाता रहता हूँ कि डिफरेंट हों, कि आवाम को ना एकदम से ना थड़थली बैठे। वो हमें मुख्तलिफ करेक्टर्स आपके देखें, कभी आप पीके बन के पब्लिक में इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, वो भी जरा करके बता दें। हाँ वो सारे मैं इसलिए करता हूँ कि बोल के और सिंपल बन के, मतलब एक सिंपल बंदा बन के तो हर कोई इंटरव्यू कर रहा है, एंकर बन के कर रहा है, मगर एकदम से मैं लोगों के एक्सप्रेशन जो है ना देखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के काम करता हूँ। जिस तरह मैं पीके भी बनता हूँ, भाया हम यहाँ गोला पे तुहार गोला पे आऊ, यहाँ तो बहुत जीरो बटा रूल हो गए, यहाँ आके मुनवा पे गया हूँ बहुत रूल पी ले। ये पीके और दूसरा जो है वो तो गूंगा वाले को जो आप मुझे बोल रहे थे वो लोगों के एक्सप्रेशन देखने के थे। जैसे ही मैं माइक लेके जाता तो ऐसे ही मैं करता था तो वो आगे आंखें खुली की खुली, यार ये क्या, ये पता नहीं मुझे कहते थे आपको किसने रिपोर्टर बना दिया, एंकर किसने, बोल नहीं सकते आप। तो कोई नेगेटिव आपको देखने को मिला था कमेंट उस हवाले से? नेगेटिव कमेंट देखने को तो बहुत सारे मिले थे कमेंट, मगर जो है ना पब्लिक उस टाइम एकदम से शॉक हो जाती थी, मैं ऐसे बोलता यार वो इस तरह पीछे होते हैं ऐसे इस तरह हो जाता था। तो अब वीडियो के आखिर में हमारी नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसको जो है ना आप आगे लेके आए। पहले हमारे पास जो है ना काफ़ी लोग कहा करते थे कि प्लेटफॉर्म नहीं है, ये नहीं है। अब आपके पास छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, जो आपका मोबाइल है, उससे 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करें और अपलोड कर दें, टिकटॉक पे अपलोड करें, स्नैक वीडियो पे अपलोड करें, फेसबुक पे अपलोड करें, यूट्यूब पे अपलोड करें, जहाँ भी करें, रेवेन्यू का रेवेन्यू, और आपकी जो है वायरल भी हो जाएंगे और आपको इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। एक बार ट्राई तो करें। और जो कहते हैं ना यार साढ़े को ए भी चीज़ नहीं यार, अगर ए नाल ए नहीं, वो फिर बहाने बनाते हैं, और जिसका काम करने का दिल होता है तो वो मिट्टी को हाथ लगा सोना बन जाती है। बस अब आखिर में जो है ना आपके जो सबसे बेस्ट करेक्टर है वो मुझे लगता है आप जॉन की आवाज़ ज़्यादा निकालते हैं ना, वो निकालें और उसके बाद हम अलविदा मांगेंगे। मोटू पतलू के जो करेक्टर्स हैं जिस तरह अरे बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अरे बड़े भैया समोसे लेकर आओ, सराय की वालों तुम्हारे वास्ते समोसे होंगे नहीं खेड़ी से होंगे, अरे जान बनेगा जान, जान कर रोकेगा कान रे। नहीं अम्मा नहीं छोड़ूंगा, मरद को दर्द नहीं होता, आई अम्मा लेकिन हो रहा है। वो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार मार सुटे पापड़ वाले मेरे यार है। उड़ी बाबा वो भी अपने 20 साल के तो जुर्मानी ऐसा कहीं प्रभु इनको भी नहीं देखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब भाई आपका। तो नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।